डियर स्टूडेंट वी टॉक्ड अबाउट द रेंज इंटरक्वाटाइल रेंज एंड मीन डेविएशन इन द लास्ट मिड्यूल एंड इन दिस मेड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरियंस एंड स्टैंडर्ड एवियेन वट इज़ द वेरियंस वेरियंस इज द एवरेज ऑफ द स्क्य फ्रॉम द मीन जब हमने मीन डेविएशन पढ़ा तो हमने मीन डेविएशन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी किस माइनस एक्स बार इज ऑलवेज जीरो यानी मीन डेविएशन को जब हम सम करते हैं तो उसको उसके एक्स बार से तो उसकी जो है जो सम की वैल्यू है वो ज़ीरो आती तो इसलिए हम मीन डेविएशन की बजाय वेरिएंस को एक, एक बेहतर मायर समझते हैं जो है डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि इसमें हम जो आपकी डिविएशन है उसका स्केयर ले, ले लेते हैं और उसको डिवाइड कर लेते हैं हम टोटल नंबर से तो वेरिएंस का जो अंडर रूट है उसको हम आ, कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन तो स्केयर रूट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्केयर रूट ऑफ द वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन को जो है हम दो फार्मूलों से कंप्यूट कर सकते हैं एक तो ये जो सिंपल आपको भी बताया है फार्मूला दूसरा फार्मूला इसका ये है इसको हम रॉ स्कोर मेथड भी कहते हैं ये आप स्टैटिस्टिक के कोर्स में जो है इसको डिटेल में यूज़ करेंगे और वहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हम इसको कंप्यूट कर सकते हैं मैनुअली ये जो वैल्यू हम स्टैंडर्ड एवियशन की कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम दिस फार्मूला इसमें डा ये डायरेक्शन लेस होती है ये दोनों तरफ प्लस माइनस के साथ होती है यानी इसमें हम जब इसको कंपेयर करेंगे विद रिथमेटिक मीन के रिलेटिवली डिस्पर्जन को देखेंगे तो दोनों तरफ देखेंगे ये वन साइडेड डिस्पर्जन हमें नहीं बताता इसका जो प्रोसीजर है एस पी एस एस में करने का वो है कि आप एनालाइज में जाएंगे डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स पे जाएंगे और वहाँ से आप फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करेंगे और फिर आप अपने जो वेरिएबल्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे और सेंट्रल टेंडेंसी के साथ साथ यहाँ पे आपको डिस्पर्जन के सारे आपको दिए गए हुए जो मैज़ हैं तो आप उनको यहाँ से सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास आउटपुट शीट में इस तरह टेबल बन कर आ जाएगा जो कि आपको बताएगा कि जो है डिस्पर्जन के जो है, है मयस को क्या इन्फॉर्म करें जैसे कि यहाँ पर मैंने जो आपके सामने एक वेरिएबल शेयर किया है एज और जी का तो हमें पता चलता है कि एज का हमारे पास जो मीन है वो ट्वेंटी है और इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन टू है और वेरिएंस फोर है रेंज एलेवन है मिनिमम वैल्यू एटीन है और मैक्सिमम वैल्यू ट्वेंटी नाइन है तो ये, ये ये जो हमें बता रहा है कि ये डेटा सेट जो है इसमें जो है ओवरऑल एक तो जो है डिस्पर्जन कम है उसकी क्योंकि वैल्यू अलेवन है जो कि बहुत बहु ज़्यादा नहीं है क्योंकि एज की जो है मिड पॉइंट जो कि हमने रेथेमेटिक मीन से कैलकुलेट किया है वो ट्वेंटी वन है यानी इस डेटा सेट में जो औसत उम्र है इक्कीस साल है और ये डेटा जो है वो उसमें अठारह साल जो है कम अज़ कम उम्र रिपोर्ट हुई है और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र रिपोर्ट हुई है वो उनतीस साल हुई है और इस जो मिड पॉइंट के साथ जो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू जो है वो 2.063 है जो कि हमें ये बता रही है कि इसमें जो है डिस्पर्जन जो है स्कैटरनेस वो काफ़ी कम है ये डेटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो अजम्पन हैं उसको वाइलेट नहीं करेगा और ये बहुत ज़्यादा फ्लैटन भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा टॉलनेस की तरफ भी नहीं जाएगा आ, वैसे तो हम इसको जो है आ, वो इसका कटोसेस हम कैलकुलेट करना सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के मॉड्यूल में मगर ये हमें आ, चीज़ जो है यहाँ से भी पता चल जाती है जब हम मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन को देखते हैं इसी तरह हमारे पास जीपीए का मीन है कि जो हमने सैम्पल लिया उसमें जो एवरेज स्कोर आया स्टूडेंट्स का जो 1245 स्टूडेंट्स जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया उनका जो एवरेज स्कोर है वो 3.23 है और इसमें जो मिनिमम स्कोर रिपोर्ट हुआ है किसी स्टूडेंट का वो वन पॉइंट है और मैक्सिमम स्कोर जो रिपोर्ट हुआ है वो फोर पॉइंट ज़ीरो है यानी जो टोटल हंड्रेड परसेंट परफॉर्मेंस और ये जो हमारे पास पासिंग मार्क होते हैं सेमेस्टर सिस्टम में वन पॉइंट फाइव जीरो दोनों रिपोर्ट हुए और इसमें जो 3.23 के साथ स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 0.40 है यानी जो मेजॉरिटी का डेटा का सेट है उसमें इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं है ये वेरिएशन जो है आ, क्योंकि आ, हमारे पास जो रेंज है वो इसमें 2.50 है तो अगर उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये यानी हाफ यूनिट से भी कम वेरिएशन है तो इस हवाले से ये वेरिएशन इतनी ज़्यादा नहीं है तो ये जो मैंने आपको डेटा सेट के से जो दो वेरिएबल कंप्यूट यहाँ पे किए हुए दिखाए हैं तो दोनों में आ, इतनी ज़्यादा डिस्पर्जन नहीं है स्केटर्डनेस नहीं है और दोनों जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट है तो इसका हम जो है नेक्स्ट मीडियुल में, में आ, कुछ और वेरिएबल्स के साथ एस एस में एक्सरसाइज भी करके देखेंगे और दोबारा से आ, हम इसको आ, जो है परफॉर्म करेंगे